नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे UPSC संघ लोक सेवा आयोग ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है IAS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी हो चुका है, तो हम जानेंगे कि कौन इस एग्ज़ाम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि टॉपर कौन है। मैन एक्साइटमेंट टॉपर, हु इज़ द टॉपर। तो चलिए जानते हैं कि इस बार किसने टॉप किया और कितने अंकों के साथ में टॉप किया, और ये भी बताएंगे कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें टॉपर जो शुभम कुमार बने थे उनसे कितने मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस बार जो टॉपर है, नंबर वन रैंक है, वो है श्रुति शर्मा। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं श्रुति शर्मा को। और उसके बाद जो सेकंड रैंक है वो है अंकिता अग्रवाल, और तीसरी रैंक प्राप्त की है गामिनी सिंगला। तो आप देखते समझ गए होंगे कि इस बार जो तीनों टॉपर हैं वो हैं तीनों महिलाएं हैं। और अब इनके मार्क्स कितने आए, मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके मार्क्स जो हैं ये है श्रुति शर्मा, आप देख सकते हैं इनके रोल नंबर, इनका नेम, फिर है इनके राइटिंग में नोट्स, मतलब जो रिटन एग्ज़ाम थे उसमें कितने मार्क्स आए, तो वो आए हैं 930। अब आप सोच रहे होंगे कि 930 आए कितने में से, तो ये मार्क्स आए हैं 1750 मार्क्स में से। 1750 में से श्रुति शर्मा के 932 मार्क्स आए हैं, और इंटरव्यू में इनके मार्क्स आए हैं 173। तो इनके कुल मार्क्स हो गए 1105। अब सेकंड रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे हैं अंकिता अग्रवाल, इनके मार्क्स आए हैं टोटल 1050। आप देख सकते हैं पहली रैंक और दूसरी रैंक में मार्क्स का अंतर कितना है, तो वो है 55 मार्क्स का अंतर है। अब तीसरे नंबर पर हैं गामिनी सिंगला, इनके मार्क्स हैं 1045। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, 5 नंबर का अंतर है इनके और इनके बीच में, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है। अब आप देख सकते हैं इस लिस्ट में टॉप 10 के बारे में, ये टॉप 13 के बारे में यहाँ पर लिस्ट में मैंने बताया है। और अब आप जानना चाहते हैं कि पिछली बार से कितने अधिक आए, तो आप देखिए ये है पिछली बार का रिज़ल्ट। इसमें है शुभम कुमार ने टॉप किया था, इंटरव्यू में 176 लेके आए थे और रिटर्न में 878, यानी कि इनके टोटल मार्क्स थे 1054। और अभी के जो टोटल मार्क्स फर्स्ट रैंक वाले श्रुति शर्मा के कितने हैं, 1105। आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का अंतर है। और सेकंड नंबर पे जो रही थी वो थी जागृति अवस्थी, और इस बार तीनों की तीनों महिलाएं हैं। तो ये था आज का अपडेट, न्यूज़ अपडेट। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।